नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान साया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने 2014 इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय पोर्शन से प्रश्न लाया हूँ। ये प्रश्न मैं इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, जो पिछले आपके 2015, 2016, 2017-18 इस तरह के प्रत्येक साल जो इग्नू इंट्रेंस बीएड एग्जाम के लिए शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय पोर्शन से पूछे गए प्रश्न हैं, मैं सभी में प्रश्न का उत्तर करने की पूरी कोशिश किया हूँ। आप उन सब वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप अगर इग्नू के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो आपको इन प्रश्न के अभ्यास से मदद मिलेगा। इसके अलावा आप इग्नू के अलावा KBS, NBS, स्टेट बोर्ड के जो सिलेक्शन स्कूल के लिए टीचर बनना चाहते हैं उसमें भी आपको ये टीचर साइकोलॉजी में ये जो सब पोर्शन पूछा जाता है आपको इस प्रश्न से मदद मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों का अभ्यास। आप भी इसके उत्तर सही क्या होगा कोशिश करिएगा। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है शिक्षार्थियों को बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप के पूर्ण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना, विभिन्न विकल्पों से विद्यार्थियों को यह बताना कि उनमें बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव क्या है, बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चुनाव करने में योग्य बनाना, बच्चों तथा स्वयं दोनों के लिए चुनाव करना। इसका सही उत्तर क्या है? किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है विद्यार्थियों को बिना किसी सलाह पर हस्तक्षेप के बीच बच्चों को चुनाव करने के योग्य बनाना, बच्चों तथा स्वयं दोनों के लिए चुनाव करना। इसका सही उत्तर बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों का चुनाव करने के योग्य बनाना। अधिगम में प्रभावपूर्ण होने के लिए उद्देश्य निम्न में से किसके अनुरूप अर्थपूर्ण होना चाहिए? पाठ्यचर्या उद्देश्य बौद्धिक विचारों का समावेशन, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं तथा उद्देश्य विद्यालय का स्तर। इसका सही उत्तर है विद्यालयों विद्यार्थियों की आवश्यकताएं तथा उद्देश्य। कक्षा में अभिप्रेरण की कुंजी है विषय वस्तु की अंतर्निहित रुचि, अध्यापक का व्यक्तित्व, कक्षा का भावनात्मक वातावरण, पाठ्यचर्या के अनुभव की उपयुक्तता। इसका सही उत्तर है पाठ्यचर्या के अनुभव की उपयुक्तता। कार्य अनुभव कार्यक्रम का मुख्य कार्य विद्यालयों में उपलब्ध कराना है। कार्य अनुभव सहित युवा बेहतर कामगारों सहित उद्योग और व्यापार अधिक विद्यार्थियों को नियंत्रित करने हेतु शिक्षकों को स्वतंत्रता, व्यावसायिक परामर्श देने हेतु उचित आधार। इसका सही उत्तर है व्यावसायिक परामर्श देने हेतु उचित आधार। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी को की एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता अथवा पूछती है मैं क्या करूं? अध्यापक को चाहिए कि वह उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्ग बताएं। विद्यार्थी को बताना कि यदि वह उसके स्थान पर होता तो क्या करता। विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें फैसला लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए।
विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। इसका सही उत्तर आपका, विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें फैसला लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। योग्यता समूहन की सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति राय है कि यह किसी व्यक्ति के पहल और नेतृत्व को प्रेरित करता है। यह व्यक्तिगत मतभेदों की समस्याओं को समाप्त कर देता है। यह बच्चे को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करता है। इसे स्वीकारने तथा अथवा नकारने के पहले और अधिक जांचना होता है। इसका सही उत्तर, इसे स्वीकारने अथवा नकारने के पहले और अधिक जांचना होता है। आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन का अर्थ है कार्यों को प्रभावित करने वाले नियमों से सकारात्मक एवं संरचनात्मक व्यवहार को विकसित करने का तरीका। कक्षा में आज्ञाकारिता तथा अनुकूलता पर जोर देकर नियंत्रण करना। इसे स्वीकारने अथवा नकारने के पहले और अधिक जांचना होता है। सही उत्तर, सकारात्मक एवं संरचनात्मक व्यवहार को विकसित करने का तरीका। इग्नू में बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में अधिगम शिक्षण एवं विद्यालय पोर्शन से आपका 25 प्रश्न पूछा जाता है। ये 25 प्रश्न आपके अभ्यास हेतु प्रस्तुत है। सामाजिक विकास आवश्यक रूप से निम्न में किसका मामला है? सामाजिक नियमों की मांग के साथ अनुकूलता, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकारोक्ति की उपलब्धि, किसी एक व्यक्ति के उद्देश्य को का सामाजिक नियमों के साथ समायोजन, सामाजिक दक्षता का विकास। सही उत्तर, किसी एक व्यक्ति के उद्देश्य का सामाजिक नियमों के साथ समायोजन। दो लड़कों का समान आईक्यू 120 है, इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है दोनों हाई स्कूल और कॉलेज में पास हो जाएंगे। दोनों के पिता सामान्य बुद्धिमत्ता से ऊपर है। दोनों की योग्यता समान स्तर की होगी। उपरोक्त में से कोई भी आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर, उपरोक्त में से कोई भी आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है? व्यवहार, धारणा, विकास, कौशल। सही उत्तर, विकास। निरापद रूप से यह माना जा सकता है कि जब विद्यार्थी किसी सिद्धांत को समझ जाता अथवा जाती है तब वह विशिष्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, इसके उपयुक्त उदाहरण दे सकता है, इससे मौखिक रूप से दोहराता है, इन्हें उन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग करता है जिस पर यह लागू होता है। सही उत्तर, इन्हें उन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग करता है जिस पर यह लागू होता है। एक अति सुरक्षित और प्रभुत्वकारी बच्चा निम्न में से किसके समान होता है? उग्र, अपराधी, झगड़ालू, असामाजिक। इसका सही उत्तर, असामाजिक। अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि शायद यह है कि इसमें होती है समाज सेवा की अनुभूति, लोगों के विकास में सहयोग की अनुभूति। ब
बच्चों से तथा बच्चों के द्वारा प्रेम की भावना, एक अध्यापक के रूप में शक्ति तथा स्तर की अनुभूति। सही उत्तर इसका लोगों के विकास में सहयोग की अनुभूति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाने की प्रस्तावित किया जाता है क्योंकि यह संपूर्णता में शिक्षा के स्तर को सुधारेगा, इससे अधिगम और शिक्षा दोनों सुगम होंगे, विद्यार्थियों में अंकों के आधार पर अंतर समाप्त होगा, अंकों की अपेक्षा ग्रेड देना अधिक सुविधाजनक है। इसका सही उत्तर विद्यार्थियों में अंकों के आधार पर अंतर समाप्त होगा। निम्न में से क्या अध्यापन के विकास में सत्य नहीं है? अध्यापन के फलस्वरूप बच्चे सीखते हैं। अध्यापन का उद्देश्य होता है कि कोई सीखे। शिक्षार्थी तथा अध्यापक के मध्य एक विशेष संबंध के रूप में चिन्हित किया जाता है। अध्यापन आवश्यक है परंतु अधिगम के लिए पर्याप्त बाध्यता नहीं है। सही उत्तर अध्यापन के फलस्वरूप बच्चे सीखते हैं। अत्यंत उपयुक्त उत्तर छाटे। ज्ञान के अधिग्रहण के संबंध में लोग कहते हैं कि इंद्रिय बोध ज्ञान का एकमात्र मान्य स्रोत है। केवल कारण से ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यह कारण और बोध के कारण होता है कि हम संसार के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि यह बाहर पड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि हमें इसे खुद तैयार करना होता है। सही उत्तर है यह कारण और बोध के कारण होता है कि हम संसार के सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है पाठ्यचर्या को बच्चे से विमर्श और करके तैयार करना, शैक्षिक अनुभवों को इस प्रकार संयोजित करना जैसे कि बच्चे चाहते हैं। अध्यापन में विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी के रूप में संगठित करना, विद्यार्थी को अपने अधिकार के लिए स्वतंत्र छोड़ना जिससे कि वह अपनी अधिगम की योजना बिना अध्यापक की सहायता के स्वयं तैयार कर सके। सही उत्तर अध्यापन में विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी के रूप में संगठित करना। निम्न में से कौन सा अकेला महत्वपूर्ण कारक किसी नए शिक्षक की सफलता के लिए आवश्यक है? उसका व्यवहार और दृष्टिकोण, उसका व्यक्तित्व तथा कक्षा में संवाद स्थापित करना, उसकी बोलने की तथा संज्ञानात्मक क्षमता, उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता। सही उत्तर उसकी बोलने की तथा संज्ञानात्मक क्षमता। अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, अभिभावकों के साथ संबंधों को बढ़ाना, अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, प्रबंधकीय नीतियों को लागू करना। उत्तर इसका शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना। 20वां नंबर प्रश्न। जब विद्यालय के बच्चे नटखट, उग्र, उद्दंड अथवा भाव शून्य हो तो अध्यापक को सबसे पहले गौर करना चाहिए उस घर का वातावरण जहाँ से वे आए हैं, उनको दिए गए कार्य की उपयुक्तता और उनसे की गई मांग, समाज और घर के कम करके आके गए प्रभावों को, कक्षा की सामाजिक संरचना। सही उत्तर समाज और घर के
घर के काम करके आंके गए प्रभावों को, घर के कम करके आंके गए प्रभावों को। आखिर पांचवा प्रश्न, सामान्यता बच्चों के उग्र व्यवहार से निपटने के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी दृष्टिकोण है। जब वह उग्रता दिखाता है तो उसे उसी समय उपयुक्त दंड दिया जाए ना, उसकी उग्रता को उचित प्रतियोगिता के क्षेत्र में लगवाया जाए, उसके उग्र व्यवहार की अनदेखी करना तथा अच्छे व्यवहार लिए इनाम देना, इस बात पर जोर देना कि वह अपने अवांछनीय व्यवहार के लिए माफी मांगे। उत्तर होगा इसका, उसकी उग्रता को उचित प्रतियोगिता के क्षेत्र में लगवाया जाए। निम्न में से कौन विकास पर अनुवांशिकता के उच्चतम बिंदु के प्रभाव की व्याख्या करता है? अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कितनी जिएंगे। अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि हम कितना जी सकते हैं। अनुवांशिकता प्राथमिक निर्धारित है कि हम कितना जिएंगे। अनुवांशिकता प्राथमिक निर्धारक है कि हम कितना जी सकते हैं। सही उत्तर, अनुवांशिकता प्राथमिक निर्धारक है कि हम कितना जी सकते हैं। बच्चे में सृजनशीलता का सबसे बड़ा अवरोधक है वयस्कों द्वारा अपने मापदंडों के अनुरूप अनुकूलता तथा संपूर्णता पर जोर डालना, वयस्कों की ओर से आवश्यक प्रेरणा देने में असफलता, परिपूर्णता हेतु आवश्यक प्रयासों के प्रति अनिच्छा, उसकी लघु अवधिक एकाग्रता और जल्दी हतोत्साहित होना। सही उत्तर, वयस्कों द्वारा अपने मानदंडों के अनुरूप अनुकूलता तथा असंपूर्णता पर जोर डालना। एक बच्चा जो व्हील चेयर प्रयोग करता है संस्थागत विद्यालय में नहीं होना चाहिए, उसको विकलांगों के लिए विशिष्ट विद्यालय में अध्ययन करना चाहिए, उसको सामान्यतः बच्चों के साथ ही नियमित विद्यालय में ही अध्ययन करना चाहिए, उसकी नियमित विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए परंतु विभाग अलग होना चाहिए। सही उत्तर इसका होगा, उसको सामान्य बच्चों के साथ ही नियमित विद्यालय में ही अध्ययन करना चाहिए। किसी शिक्षक द्वारा तैयार परीक्षण तथा मानकीकृत परीक्षण के मध्य मुख्य अंतर किस क्षेत्र में होता है? वस्तुगतता, मापदंड, विक्रेयता, संपूर्ण गुण। सही उत्तर मापदंड। ये मैंने आपके सामने 25 प्रश्नों का अभ्यास कराने हेतु एक प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको जरूर अच्छा लगा ही होगा। और अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।